आपको स्वागत करछु मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा वर्तमान रो गुरुत्वपूर्ण हेडलाइंस रो गोपमुंडा रे निर्वाचन हिंसा बीजेपी बीजेडी कर्मी को मध्य रे मारपीट गोष्ठी संघर्ष रे जने गुरुतर से परे कटक नरसिंहपुर थाना काचखुंट गां रे राजनैतिक हिंसा स्वाधीन सरपंच प्रार्थी को घर ऊपर को बोमा माण C-52 रो सफल परीक्षण वर्षर प्रथम मिशन रे इसरो को सफलता महाकाश रु पठाइबो कृषि वनीकरण ओ वन्य र चित्र 3 मास भितरे आउ 5 लॉन्चिंग पाई तयार फुलम आक्रमण को पुरिला 3 वर्ष देश भूलिनी 40 सीआरपीएफ जवान को बलिदान बापा भाई पो को हराई आज भी घुमरी कांदुछंती अनेक परिवार ओडिसारु शहीद होइथिले नियाळीर मनोज ओ जगतसिंहपुर प्रसन्न साहू पंजाब रे प्रचार करबे प्रधानमंत्री जलंधर रे साधारण सभा रे संबोधन करबे मोदी फेब्रुवारी 20 प्रथम पर्याय मतदान विभिन्न दल पक्षरु चालिछि जोरदार कैंपेन युपी आज द्वितीय पर्याय निर्वाचन 9 जिलार 55 आसन पाई चालिछि मतदान सेपटे उत्तराखंड रे 70 ओ गोवार 40 आसन पाई वोटिंग खोलिबो स्कूल आसिबेनि पिला 2 वर्षर व्यवधान परे राज्य रे खोलुछि प्राथमिक स्कूल आज आसिबे शिक्षक शिक्षयत्री 28 रु स्कूल को आसिबे छात्र छात्री पंचायत निर्वाचन स्कूल परिसर सफा परे आरंभ हेब क्लासरूम पाठपढ़ा सुपर किंग्स रे ओडिया पुओ सुभ्रांशु माहिंग टीम रे ओडिया पुओ आईपीएल रो ओडिसा रो तृतीय खिलाड़ी अक्षनर द्वितीय दिन रे 20 लाख टंका रे सुभ्रांशु को किनिला चेन्नई सुपर किंग्स एवं शेषरे राज्य रे कमिबो शीत 2-3 डिग्री जाय बढ़िबो रात्रिकालीन तापमात्रा 70-21 जाय राज्य रो विभिन्न स्थान रे वर्षा संभावना शीत फेरिबा नै पाणीपाग केंद्र रो आकलन आरंभ करिबा वर्तमान समय एक बड़ खबर राजधानी रो गिरफ हेले नकली रसिकिया डाक्टर सबुठ आश्चर्य कथा ला ए नकली डाक्टर को साथ राज्य रे अछंती 14 जन पत्नी पूर्वरु आंध्र पुलिस द्वारा गिरफ होइतिले रमेश स्वाई रमेश को नारे कोटिए टंका रो ठके होइतबा अभिजोग होइछि तांको गिरफ करिछि शहीद नगर थाना पुलिस राजधानी गिरफ हेले नकली रसिकिया डाक्टर सबुठ आश्चर्य कथा ला नकली डाक्टर को साथ राज्य अछंती 14 जन पत्नी अधिक आलोचना करबा बाबद रे हम प्रतिनिधि रोशन रथ हम सहित जोड़ी छंती रोशन रसिकिया डाक्टर को साथ राज्य 14 जन पत्नी कौन पूरा घटना देखो तो रमेश स्वाई नामक जड़े नकली डाक्टर को शहीद नगर थाना पुलिस गिरफ करछि से निजो को होम्योपैथी डाक्टर बोली परिचय दोतले किंतु से ओरिजिनली डाक्टर नुहंती आश्चर्य कथा होची केवल भुवनेश्वर रे नुह तांकर विभिन्न राज्य रे 7टी राज्य रे पाकापाकी 14टी पत्नी अछंती से समस्त को डाक्टर परिचय दे विवाह करछंती बोली जहां सूचना एवं आउ बड़ आश्चर्य कथा हेउची ए जो 14 पत्नी भितरे वकील मॉडल एभली हाई प्रोफाइल महिला मध्ये तांकर पत्नी अछंती एवं जहां सूचना रहउची जे से पूर्वरु आंध्र पुलिस द्वारा मध्ये गिरफ हेइ सारथिले महिला पुलिस थाना मध्ये ताकु पूर्वरु गिरफ करि सारथिला तेणु वर्तमान तांकर ना रे ठकेई मामला हेइथिला सहितक थाना रे एवं एही मामला आधार रे पुलिस ताकु गिरफ करथिबा सूचना मिलुची एवं
କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଚେକ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ କିଛି ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ଯେହେତୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଥାନା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, କଣ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ନିଜକୁ ଡାକ୍ତରର ପରିଚୟ ଦେଇ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦବ ତାପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ତେବେ ରୋଶନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ରମେଶ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ସେ କେମିତି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ସାତ ରାଜ୍ୟର 14 ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଲିଙ୍କରେ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫସାଉଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭୁଲ ପରିଚୟ ଦେଇକି ନିଜକୁ ଡାକ୍ତର ବୋଲି କହିକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଧରା ପଡ଼ୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ପୋଲ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ହଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେ 14 ଜଣ ପତ୍ନୀ ରଖିଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେ ଅଭିଯୋଗର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ରୋଶନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ରାଜଧାନୀରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ସେ ରହୁଥିଲେ କେଉଁଠି? ରାଜଧାନୀରେ ରହି ପୁରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଲାଇଥିଲେ, ଲିଙ୍କରେ ରହିଥିଲେ 14 ଜଣ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ନା ନାଇଁ ୟାଙ୍କର ବାହାର ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ରହିଥିଲା? ଲିଙ୍କ ତ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାହା ଚାଲିଥିଲା କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପତ୍ନୀ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ତାଙ୍କର ଯା ଆସିଥିଲା, କଲିକତା ହଉ, ଦିଲ୍ଲୀ ହଉ, ମୁମ୍ବାଇ ହଉ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହଉ, ଏଇ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ସେ ପତ୍ନୀ ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ କିଭଳି ମାମଲାରେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କେବେଠୁ ଖୋଜୁଥିଲା ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କୋଉ ସ୍ଥାନରୁ ଗିରଫ କରିଛି ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିପାରିନି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିପାରିନି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରୋଶନ ରଥ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ଯାହା ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ରାଜଧାନୀରୁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ନକଲି ରସିକିଆ ଡାକ୍ତର, ଭୁଲ ପରିଚୟ ଦେଇ ସେ ପାଖାପାଖି 14 ଜଣ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ 14 ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କରେ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ସାତ ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି 14 ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କରେ ରହିଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଠକେଇର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତିନି ରାଜ୍ୟର 165 ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ, ଆଜି ଭୋଟ ଦେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ଗୋଆ। ୟୁପିରେ ଚାଲିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ, ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 8 ଜିଲ୍ଲାର 55 ସିଟ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ମତଦାନ। ଏଥିରେ 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର 586 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ସେପରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର 70 ଆସନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ମତଦାନ, ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି 632 ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସେହିପରି ଗୋଆର 40 ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେଉଛି, 301 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର। ଆଜି ଉଭୟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ଗୋଆରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ସରିବ। ଆଜିର ନିର୍ବାଚନରେ ଧର୍ମପାଲ ସିଂ ସେନି, ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ଖନ୍ନା, ଗୁଲାବ ଦେବୀ, ବଲଦେବ ସିଂ ଓ ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଭୋଟର। मैं सभी से अपील करता हूं कि अच्छी सरकार बनाने के लिए राष्ट्र हित में और प्रदेश हित में सभी लोग आगे आएं और मतदान करें, मतदान के बाद ही अपना जलपान करें। सब लोगों से अपील है कि सब लोग मतदान जरूर करें। जो बुजुर्ग वगैरह हैं उनके लिए व्हील चेयर उपस्थित है, महिला पुरुष के आने की अलग गेट व्यवस्था है, व्हील चेयर की व्यवस्था है, व्हील चेयर से उनको एंट्री जल्दी दिलवा देंगे जो ऐसे लोग आए बिना लाइन के जी। कोविड के लिए ये मिलिट्री फोर्स है तो ज्यादा भीड़ अंदर नहीं आएगी, थोड़ा दूरी बना के। इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड बिकॉज अवर अडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम is appreciated by the universe as a whole in the democratic process. I'm very happy, and Goa is concerned, people are peace, and the normally there won't be any untoward incident in the election,
that shows the magnanimity and our success of our democracy, and Goa is in the forefront of that. I congratulate the people of Goa, and I hope maximum people will cast their vote in this election. And election arrangements are concerned, election commission requires, needs the appreciation of everybody. I congratulate them and I extend my sincere thanks to all. अधिक आलोचना करिबा नुआ दिल्ली प्रतिनिधि गगन बिश्वाल हम सतस दास को जोड़े छथि। गगन, तीन राज्य 165 आसन पई आज वोटिंग चली छि एवं विशेष कर जदि देखा जे आज निर्वाचन बेस गुरुत्वपूर्ण कर छि। अपन देखंतु बड़ बड़ नेता मंत्री को भाग्य अछि निर्धारण करिबे वोटर। देखो निश्चित भाव दुईटी राज्य कौटना कौटी बीजेपी पूरा फोकस था, उत्तर प्रदेश कथा कहतु, उत्तराखंड कथा कहतु, गोवा कथा कहतु। जेहेतु अलरेडी जी तीनो राज्य को आप जी तीनो राज्य रु अधिक फोकस उत्तराखंड उत्तर प्रदेश रही बीजेपी कर गोवा गोटे बड़ मैंडेट मिलियो अलरेडी पूर्वाभास मिली अनेक रिपोर्ट प्रकाश पाई जेहेतु से सरकार एनडीए रही मेन्टो रही बीजेपी तेणु 22 सीट रु अधिक जितने प्रमोद सावंत जे मुख्यमंत्री अच्छा सी मैं सका ट्वीट कर सूचना देखते प्रधानमंत्री मो सहित कथी कन्फिडेंट आम अच्छा अधिक रु अधिक भोटिंग लोक मानते अपील कर दीदी आप दुईट देखिए उत्तराखंड और यूपी यूपी उत्तराखंड पूर्व दुईट गोटे राज्य थी 2002 रु अलग उत्तराखंड जो पॉलिसी अणा जा खास कर 5 वर्ष बीजेपी से ही धारा को नहीं बर्तमान लोक मान पाखक जाइए पूर्व से हरीश रावत सरकार थिला कांग्रेस सरकार थिला तेणु कांग्रेस कौन कर 5 वर्ष भितर आम कौन कर विकास कथा को नहीं कौटना कौटी से लोक पाखक जाइए मैंडेट मिले बोले आशावादी देखिए 2017 जो वोटिंग परसेंट थिला 65% थिला तेणु ताकू ओवर क्रॉस करियो बोली मध्य सेमाने आशावादी अच्छा कहीं देखिए पूर्व थर जो इलेक्शन होता कोविड नाला बर्तमान जेहतु कोविड छनका रही लोक मान भितर तेणु अधिक रु अधिक प्रवासी सेटा रही उत्तराखंडवासी सेटा रही तेणु अधिक वोटिंग परसेंटेज हम जमीक आप किसम पूर्व उत्तराखंड जी मुख्यमंत्री अच्छा प्रतिक्रिया शुणुले से निजर भोट देते आशावादी अच्छा अधिक रु अधिक मतदान हेब पुणी थे आमको मैंडेट मिल तेणु तीनो राज्य रु तीनो जाक जगार बर्तमान बीजेपी रही तेणु पुणी थे बीजेपी से बैक करुच्ची निश्चित भाव पूरा भारतवासी नजर रही खास कर बीजेपी जो भाई ढंग से प्रचार करकाश कथा को लेकिन लोक मान पाखक जातु बर्तमान पर्यटन देखिए शांति श्रृंखला सहित भोटिंग होगी जगार कौन विशृंखला परिस्थिति सामना को आसी ना उत्तर प्रदेश प्रथम पर्याय गला बर्तमान द्वितीय पर्याय जो निर्वाचन होती 55 सीट रु देखिए पूर्व थर 90 पाखापाखी परसेंट सीट बीजेपी हाथ को जाता तेणु बर्तमान से मैंडेट बलवत्त रही कि नहीं निश्चित भाव नजर रहा कि बर्तमान देखिए जो बरेली रही रायबरेली कथ कहु ये कंग्रेस गड़ बोली कह जाए उत्तर प्रदेश में कि चित्र बदली जाइए 2019 निर्वाचन में जो बीजेपी कैंडिडेट थे से विजय हासिल कर पूर्व निर्वाचन में तेणु कंग्रेस गड़ जो अक्षुण्ण रही कि ना कांग्रेस गड़े बीजेपी केते सीट नहीं पार्टी समाजवादी पार्टी को केते मार दे पार्टी ता निश्चित भाव ओवरऑल अपन देखिबे तापर समस्त फोकस रहिबो किंतु तीनोटी राज्य रु कहीं जेहेतु सरकार रही बीजेपी तेणु कौन ना कौटी सम्मान प्रश्न रही बीजेपी तेणु से अधिक फोकस राज्य बीजेपी दबदबा रही नजर रही फलाफल केमती हूँ विशेषकर विजय मुकुट किए पिंधुची बहुत बहुत धन्यवाद नुआ दिल्ली प्रतिनिधि गगन बिश्वाल ए बाबद आम सहित सविशेष आलोचना कर परवर्ती खबर को आसीबा गां गां रे राजनैतिक हिंसा कटक नरसिंहपुर थाना काठखुंट गां रे जड़े स्वाधीन सरपंच प्रार्थी को घर को होईछि बोमा माड़ स्वाधीन सरपंच प्रार्थी सुशील कुमार मल्लिक को घर ऊपर को राती अधिया बोमा माड़ करा जायतिबार अभिजोग होईछि राती पाखापाखी प्राय 2:45 रे से घरे सोइथवा बेले शासक दल रो किछि प्रतिनिधि को समेत तीन जन एक धला रंगर कार आसी सुशील को घर ऊपर को बोमा माड़ करितवा से अभिजोग करिसेंते शासक बीजेडी रो सरपंच प्रार्थी एपरि करितवार अभिजोग होईछि पूर्वर मध्य तांको गाड़ी को भंगारुजा करबा स ड्राइवर को धमक दिया जायतिला एने एक एतला नरसिंहपुर थाना रे दिया जायछि। बड़मा प्रतिनिधि शिवराम पंडा आम सहित अधिक आलोचना फोन लाइन जोगे जोड़ी शिवराम जदि देखा जाए आउ मात्र आज गोटे दिन कह जाए पारे प्रचार पाई एवं विशेष करी
फलाफल कौन हे ता तो पर कथा किंतु जो राजनैतिक हिंसा देखा मिलू विभिन्न स्थान रु प्रकृत ये हिंसा किए घटाऊ देखु राज्य राजनीति वर्तमान सरगरम है बेलू एवं दिन आउ किसी दिन बा दुई दिन कहवा जदि भोट अच्छी किंवा यही भितर नरसिंहपुर थाना अंतर्गत जो रही काठखुंड गाँ रही से काठखुंड गाँव में गत विलंबित राति किसी दुर्बृत्त जड़े स्वाधीन सरपंच अच्छा श्रीजुक्त मल्लिकों घर उपरकू बोमा मार करते अतर्कित भाव में तीन जन दुर्बृत्त आसते से मैंने कारे चली जाते जदि देखा एटी राजनैतिक हिंसा एवं विभिन्न समय पूर्वर गत दुई दिन तले प्रचार गाड़ी को मध्य सेमाने भंगारुजा करते जार कि एक लिखित अभियोग से नरसिंहपुर थाना जनईते तापर मध्य पुलिस प्रशासन कौनसी एथेर हस्तक्षेप करन आज जिते राति विलंबित भोर समय पाखापाखि साढ़े दुईटा तीनटा मध्य दुटा पैंतालीस मध्य जिते घर भितरकू आक्रमण कर बोमा माड़ करते घर लोक समस्ते चमकी पड़ते से परवर्त समय बाहर को आसते बाहर को आसी जिते बड़े देखिले कि गोटे धला रंगर कार भितर तीन जन दुर्बृत्त बस जहां अनुमय करी जहां सी आमको प्रतिक्रिया दौले शासक दल रही जो अपोजिशन पार्टी ठिया शासक दल रु से प्रतिनिधित्व कर कांड घटाई से आमको सूचना देखते जदि देखा यही घटना पूर्वर प्रचार गाड़ी को पूर्व प्रचार गाड़ी को धमका जाता भंगारुजा कराती अधरे कोभली भावे स्वाधीन सरपंच प्रार्थी घर उपरकू बोमामाड़ हो तार चित्र सामना को आसुची निर्वाचन को आ मात्र दुई दिन रहा आज प्रचार शेष होते राजनैतिक हिंसा बारंबार सामना को आसुची आ सबू पचरे शासक दल संपृक्ति अभियोग आसुची बहुत बहुत धन्यवाद शिवराम पंडा बड़म्बा प्रतिनिधि आमको अधिक सूचना देते बाबदे। गोप सोरभा ग्राम पंचायत मुरुडारे निर्वाचन हिंसा बीजेपी बीजेडी कर्मी मध्यरे मारपीट ए गोष्ठी संघर्ष में जड़े गुरुतर आहत होती पुलिस पहुंची घटना को नियंत्रण करने को उद्यम करे महांगारे गत काली देखा मिलता निर्वाचन हिंसा देखा मिलता मंत्री प्रताप जेना निर्वाचन प्रचार करने समय बीजेडी समर्थित सरपंच प्रार्थी असंतुष्ट सरपंच प्रार्थी दस्तादस्ती होता यह मारपीट भी होता यह घटनारू जमापड़ी जे महांगा बीजेडी रे सृष्टि होइछि बड़ फाट गोटे पंचायत चारिशहु अधिक भोटर नागरिकत्व अधिकार वंचित हेबे जलेश्वर ब्लॉक कालिक पंचायत रे प्रकाशित भोटर तालिकार बड़ धरणर विभ्राट पखापाखि चारिश भोटर एवं भोट देवारु वंचित होगा जाऊँगी पांच वर्ष पूर्व होता पंचायत निर्वाचन रे एठिकार भोटर संख्या 4265 बेले चलित वर्ष निर्वाचन रे किछि नुआ भोटर संयोग होइछि जार प्रकृत संख्या रही 4400 को वृद्धि पाई भोटर संख्या किंतु राज्य निर्वाचन कमिशन को द्वारा प्रकाशित भोटर तालिकार 4040 जन भोटर नाम प्रकाश पाई फिर 400 जन भोटर भोट देवार वंचित होती जहाकने भोटर माने असंतोष प्रकाश करुटि जो विभाग अधिकारी दायित्व थे विरोध में कार्यानुषान दावी हो आम कालिक पंचायत दुई नंबर वार्डर जड़े सभ्य मोर बयस 60 है किंतु बड़ दुखर सह जनाऊँ जे एवर्ष आम एत भोट मैंने मोर नागरिकत्व अधिकार पाइबर 18 वर्ष रु भोट दे आसु दुर्भाग्यर विषय जे एवर्ष किमी भाव पंचायत निर्वाचन आम भोट तालिकार आम नाम ना खाली मोर नुहे आमर एटकार समस्त भोटर मान कम से कम 172 ए टाइप रे गाँव रे भोटर कहार भी गुटे भी नाम ना आउ कौन लिस्ट ना भोट दे पार्ब ना पूर्व हाँ पूर्व आम भोट दौले आज जिते वर्ष भोट दौले आोट ना कौन मैं आम कम भोट नदे आम भोट तो देते हे ना लिस्ट कमी देते जानते सरकार जान लिस्ट आमती भोट देवाई अधिक आलोचना करिबा गोपबंधु साहू आम बालेश्वर आम प्रतिनिधि आम सहित दासक जोड़ी होती गोपबंधु गोटे भोट
अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक समस्त जानते विशेषकर गणतंत्र में समस्त अधिकार रही समस्ते मतदान सब्यस्त करेंगे किंतु 400 भोटर एटी वंचित होती बड़ धरण विभ्राट केमती या पचर कहार संपृक्ति रोचे कहार दोष त्रुटि रोचे देखु निवेदिता प्रथम जो कथा कह जड़े देशर नागरिक तार 18 वर्ष होगा तार जो नागरिकत्व रही है से अधिकार जाहिर करने जो जो आम कह निर्वाचन में अंशग्रहण करवा निर्वाचन भूमिका बहुत बड़ रही है एवं गोटे भोटर ही गोटे अंचल विकास तार जो कह दिग्दर्शन देखा था ये जो रही कालिक पंचायत जहाँ जलेश्वर ब्लॉक रही गोटे गाँव जदि आम वार्ड तीनटी वार्ड में 400 भोटर तामधर जी कह प्राय पूरा गोटे गाँ से गाँव में समस्त भोटर जो मैंने पूर्वर मैं भोट देते जो मैंने नुआ तो जॉइंट करते कौन से टेक्निकाली प्रॉब्लम हो आवेदन भूल हो सी तो काट नाकज हम अलग कथा कितु जो मैंने पूर्व भोट देते अर्थात से प्रिलिस्टेड से तालिकार ना तालिकार बाद पड़ी और से सीधा सड़क चेतावनी देती जो गणतंत्र महापर्व जदि से अंशग्रहण कर नपारे मतदान दिन मतदान केन्द्र आगे से धारणार बसवे कौटि ना कौटि एने जलेश्वर विडियो सहित जोगाजोग करूँ कि जोजोग करने जलेश्वर विडियो जहाँ आमको कहले जितेबाद तालिका प्रकाशित होगा से समय से जो ना ना हूँ तो आवेदन करता कि बर्तमान कौन सी प्रकार हो पारे तेरे एने लोकर प्रतिक्रिया जहाँ रोचे जे आम तो पूर्वर थी आम ना लिस्टेड थी आम कहीं देवु एवं सब बड़ कथा जो कालिक पंचायत रही आदिवासी अधिष्ठित अंचल लोक मैंने सचेतन नहांती तेणु जो मैंने जो मैंने जो शिक्षक मैंने दायित्व थे से भूल 400 लोक आज 400 भोटर आज मतदान रू बाद पड़े जो कौटि ना कौटि जहाँ लोक मैंने असंतोष और जहाँ निवेदिता जहाँ से दाबी रही जो मैं आम बाद पड़ी से विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर आवश्यकता रही कहते निवेदिता ओके जो माने एंकर दोष त्रुटि जो 400 भोटर भोट देवार वंचित होती विशेषकर जितेबले गोटे खंड भोट अत्यंत गुरुत्वपूर्ण से भाई समय 400 भोटर भोट देवार बाद पड़ा निंताजनक या पचर जहाँ भी दोष त्रुटि रही है विरोध में कार्यानुष्ठान दावी कर बहुत बहुत धन्यवाद गोपबंधु साहू आम प्रतिनिधि आमको ये बाबद सूचना दे राज्य में खोल प्राथमिक स्कूल आज केवल शिक्षक शिक्षयित्री स्कूल आसवाकूबा बेले छात्र छात्री मैंने आसबे पंचायत निर्वाचन और विद्यालय परिसर परिष्कार परे फरवरी 28 छात्र छात्री मैंने विद्यालय को आसवे जमापड़ आज शिक्षक शिक्षयित्री मैंने स्कूल आसवाकूबा बेले पिलार अनलाइन मध्यम पाठ पढ़ा प्रथम राज्य सरकार 14 एवं पर पंचायत निर्वाचन और स्कूल सफा हो कारण 28 स्कूल में श्रेणीगृह पाठपढ़ा आरंभ होष्पत्ति तेज गणशिक्षा विभाग पक्ष स्कूल खोल नहीं जारी करा निर्देश में घर स्कूल खोल नहीं किसी स्पष्ट सूचना ना फल आज घर स्कूल खोल कि खोल ना से नहीं द्वंद उपजी केतेक घर स्कूल आज खोल बेले आउ कि 28 स्कूल खोल को निष्पत्ति जमापड़ अधिक आलोचना करबा भुवनेश्वर प्रतिनिधि चिन्मय साहू आम सहित सीधासख जोड़ चिन्मय एबे भी स्कूल खोल को नहीं अनेक द्वंद सरकारी स्कूल कथा तो छाड़ू कहीं 14 जहाँ आज जो शिक्षक शिक्षयित्री जी कि 28 पिलाने जी निर्वाचन को आखि आगे रखी एभली एक निष्पत्ति तापर भी स्कूल सफा कथा उठू घर स्कूल कौन करेंगे से मैंने बर्तमान चिंतार नहीं कौन से स्पष्टोक्ति ना गणशिक्षा विभाग पक्ष चिन्मय निहत भाव में निवेदित गोटे कथा कहक चाहिए बेसरकारी स्कूल में कह आज आरंभ हो के जी रु सप्तम श्रेणी पिला जो मैंने कि दीर्घ 2 वर्ष धरी स्कूल मटी माड़ी ना से आज स्कूल आसवे कि से देखा सप्तम श्रेणी पिलांर प्रायत मुख्यतः परीक्षा सरगला से आसुना जदि बेसरकारी स्कूल कथा देखुचे कि बेसरकारी स्कूल जो मैंने कि चिठी को लेकिन द्वंद्वे अच्छा से पा स्कूल खोलें कि ना से आज कितोटी बेसरकारी स्कूल खोल जाए कि मात्र बेसरकारी
ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁଠିକି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯାହା କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଇ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନିଂ କରାହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯଦି କହିବା କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ଆଜି ଯଦି କହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍କୁଲ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଉଛି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଥା ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ପିଲା ଆସିବେନି ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଥା ଯଦି କହୁଛେ କେଜିରୁ ତା ପରଠୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଯଦି କହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିବେଦିତା ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତେବେ ଚିନ୍ମୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଇପାରିବା କି ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ ଯଦି ସମ୍ଭବ ନିହାତି ଭାବେ ନିବେଦିତା ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଯଦି କହିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ମାନେ କେତେ ଖୁସି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ କି ସବୁ ସବୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗ୍ରେଡ଼୍ର ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ସ୍କୁଲକୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ମାନେ ଆମ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ଯେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେତିକି ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ସେତିକି ମାନେ ଖରାପ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯାହା ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛୁ ନିଜେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭାବେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଦେନ୍ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କ୍ଲିୟରଲି ହେଉଛି ଆଉ ଆମକୁ ଅଲୱେଜ୍ ରେକମେଣ୍ଡ ଦ ୟୁଜ୍ ସାନିଟାଇଜର୍ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ନିହାତି ଭାବେ ନିବେଦିତ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନିଂ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର୍ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଯଦି କହିବା ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଇଏ ହେଉଛି ଯାହା ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସହିତ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ କଟକଣା ରହିଛି ତାରି ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବେ ବି ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର